चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो और घंटों दबा दियो सारा लेटेस्ट वीडियो सारा पहले देखन खातर थाने सारा ने काजल की कसम। कहाँ से चल के आई हो, कौन से टिपू में रहती हो, पूरा एड्रेस बता बताओ। अच्छा पूरा एड्रेस बोल के बताऊं तेरे को? हाँ जी। ये बता कि तुम कौन हो, क्या लेने के आए हो, यहाँ कैसे भटक रहे हो? अरे संत महात्माओं की पहचान नहीं आपको? कोई पहचान? पहचान क्या, तुम तो बहुत ही ज्यादा वो रहे साधु मारा वज्रमांटिक। अरे क्या ज्यादा वादा लगा रखी है, क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि आप संतों के दरबार में आई हो, क्यों आई हो ये बताओ। मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि आपने जो हमारे महल के सामने जो धोना लगा रखा ना, इसे फटाफट हटाइए और पतली गली से निकल जाइए। लेकिन ये बताइए आप हो कौन? मैं कौन हूँ? हाँ। मैं उस चंद्रकिरण की बांदी हूँ। चंद्रकिरण की बांदी हो? अच्छा। हाँ। लेकिन यहाँ महात्मा के पास में क्या लेने के लिए आए वो बताओ। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ जो आपने हमारे महल के सामने धोना लगा रखा ना, इसको हटाइए और चल दे बनिए यहाँ से। देखिए बांदी, दिखाइए, ये धोना भी बिल्कुल नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा साधु? ये राजा मदन सेन का आदेश है। ओहो, आप कहना क्या चाहती वो बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरे चंद केड का भी आगे है कि धोना हटवाना है यहाँ से। अच्छा जी, आइए क्या कर सकते हो। हाँ कहिए बांदी। ये साधु हटा, बजा के लाओ। राजकुमारी का? जी मेरी राजकुमारी का सट तोड़ रहे। ये रपड़िया रहन दे, क्या वो खेले रहा मैं और मारा इसकी बीमारी का। अच्छा साधु महाराज, इसकी बीमारी के मारे हो? अरे इसका मतलब प्रेम, प्रेम भगवान से भी हो सकता है, बड़ी बात। आइए सुनिए मेरी बात।
महल कसमी धूना लाया पूत में महल के सामने धूना लगा। हाँ, क्या बिल्कुल भी तुम्हारे दिमाग के अंदर इस बुद्धि के अंदर सोच नहीं है कि महल के सामने धूना लगा रहे हो? पर मेरी बात सुन ले। सुनाइए। अरे यो धूना है भाई, यो धूना Thank you.
मेरे धोने के धोने ने बाबा जी मेरा शिकार रखा जी, हमारी चंदकिरण का जी ना परेशान कर दी, लेकिन क्या ये रजिस कारण है, रजिस कारण है जिस कारण मन धूना लाया स्वाद नहीं वो चखता क्या, रजिस कारण मन धूना लाया स्वाद नहीं वो चखता क्या, नहीं देखा। कौन देखे जी? शाम ने बैठू बेरो बहुरो क्यों बता देगा वो तो, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं है, आप ही बता दीजिए। पर बूझ तो सुनी, आज देखा आपने बहुरा? यो बहुरा में रह सारा दिन बावड़ी भौरे में रहने के ही हो रहा है। अरे भौरे का काम होता है कि फूलों का रस को चूसना। अच्छा हाँ, और एक मिठास, एक मिठास यो भौरा रस खुद ही चूस गए सारो, और मिठास पर उसी प्रकार से ये राम मणिक के भौरा राम मणिक के भौरा करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा मंत्र मार दूंगा। कैसा मंत्र मार देगा? ऐसा शराब दे दूंगा। तब कैसा शराब दे देगा? 15 लीटर दूध देगी, दिन में काली भैंस बना दूंगा, ज्यादा रोको आज की बावड़ी पर। मेरी बात सुन, संत पुरुषों का डेरा है, सब पुरुषों की बात अच्छी लगती है। अच्छा नहीं, मेरी सुन साधु। कहिए। तुम साधु नहीं रहे, साधु तो पहले वाले होते थे। ऐसी बात नहीं है, और दिल का क्या करें चल।
देखी जो जो दिल में बस गया हां बिल्कुल राम वही होता जो दिल में अच्छा तू आजकल भक्ति में ले रहन लग गया हां तो क्या है ये लगाउनारी बात दो दो तीन दिन भक्ति साथ रखन लग गया ना आपको जो कहना वो बताइए सुनिए पड़ा के तुम रोवे निकल जाइए लेकिन ये बताइए आप हो कौन मैं कौन हूँ
हाँ। मैं उस चंद किरण की बांदी हूँ। चंद किरण की बांदी हो? अच्छा हाँ। लेकिन यहाँ महात्मा के पास में क्या लेने के लिए आए वो बताओ। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ, जो आपने हमारे महल के सामने धोना लगा रखा ना, इसको हटाइए और चल दे बनिए यहाँ से। देखिए बांदी, दिखाइए, ये धोना भी बिल्कुल नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा साधु? ये राजा मदन सेन का आदेश है। आप कहना क्या चाहती वो बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरे चंद किरण का भी आगे है कि धोना हटवाना है। अच्छा जी, आइए क्या कर सकते हो। हाँ कहिए बांदी। ये साधु हटा, बजा के लाओ। मरना
दारी का येरा पाछा प्यासक पाछा प्यासक की मार दिए येरा पड़ता गोला दारी का पाछा प्यासक मार दिए कीजिए कौन सा काम साधु लेना है तो बाबा का नाम लीजिए अच्छा ये काम तुम ना कर सको तो एक काम कीजिए तो क्या करें कब्र में जाके मुर्दों के साथ आराम कीजिए अच्छा क्या फालतू बातें कर रहे हो बावड़ी मेरी बात सुन ले परेशान कर दिया जी हमारी चंदकिरण को बिल्कुल परेशान कर दिया अच्छा आप फटाफट ये धोना हटाते हो या नहीं यो तो हाँ बिल्कुल कुनेट है हटाना पड़ेगा धोना बिल्कुल कुनेट है बॉडी ये देखिए आपकी चंदकिरण की एक बात बताइए इतना रहा भरा बाग ये चंदकिरण का है क्या जी ये पूरा बाग हमारी चंदकिरण का है यहाँ से लेके वहां तक वहां से लेके वहां तक और वहां से इतना सुंदर दरबार लगा हुआ है इतना सुंदर बाग लगा हुआ है देखो बाग में पेड़ पौधे भी देख लो साधु बाग में पेड़ देख पेड़ और फल फ्रूट भी है वो देखो सर अरे पेड़ देख मौसमी संतरा माल्टा एक नींबू को मुंडो पाटी हुई हाँ, और वो बावली पूरी ना बावली ना देख आम को वो जो देख ये भगवान 10 किलो को आम देख आना चुसड़ियों भी कहे चुसड़े और टिड बड़ा आम आज की छाती आ रही हो गई ना चुसड़ियों भी इतना प्यारा बाग है आपकी महारानी का क्या बात है सुनिए मेरी आइए Yeah.
जीने राशि कर रहे जी, हमारी चंद्रकिरण का जीना परेशान कर दी। लेकिन क्या ये रजिस कारण है, रजिस कारण जिस कारण मन धूना लाया स्वाद नहीं वो चखना क्या, रजिस कारण मन धूना लाया स्वाद नहीं वो चखना क्या। नहीं देखा। कौन देखे जी? शाम ने बैठू बेरो बहुरो क्यों बता देगा वो तो, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं आप ही बता दीजिए। पर बूझ तो सुनी आज देखा आपने बहुरा? यो बहुरा में रह सारा दिन बावड़ी भौरे में रहने के ही हो रहा है। अरे भौरे का काम होता है कि फूलों का रस को चूसना। अच्छा हाँ, और एक मिठास, एक मिठास यो भौरा रस खुद ही चूस गए सारो, और मिठास पर उसी प्रकार से ये राम मणिक के भौरा मणिक के राम भौरा राम मणिक के भौरा अच्छा राम मणिक के भौरा सुसुंदर ये देखते ही ये सरगानी का करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा मंत्र मार दूंगा। कैसा मंत्र मार देगा? ऐसा शराब दे दूंगा। तब कैसा शराब दे देगा? 15 लीटर दूध देगी दिन में काली भैंस बना दूंगा। ज्यादा रोको आज की बावड़ी पर मेरी बात है। संत पुरुषों का डेरा है, सब पुरुषों की बात अच्छी लगती है। अच्छा मैं मेरी सुन साधु। कहिए। तुम साधु नहीं रहे, साधु तो पहले वाले होते थे। ऐसी बात नहीं है। और दिल का क्या करें बिल्कुल।
राम भाई होता जो दिल में। अच्छा तू आजकल भक्ति में ले रहा लग गया। हां तो क्या है ये दो दो तीन दिन भक्ति साथ रखने लग गया ना। आपको जो कहना वो बताइए। सुनिए पढ़ के तुम रोवे मेरा नाम इतनी वाणी का तेरा गौतम भाती क्या